Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, exercise 7.4 or question number 2. Question number 2 may have find the unit vector perpendicular to the plane containing A and B. ठीक है? Also find sine of angle between them. यानी कि question में हमें कहा गया है कि एक plane है, ठीक है? Plane क्या होती है? मतलब कि जिसमें two dimensions से एक plane बनती है. ये एक plane है. ये एक plane में बना देता हूँ, ठीक है? ये एक plane है, ठीक है? इसमें दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी. ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है? अगर ये प्लेन इस तरह से लाई करी है तो इस प्लेन के या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड, ठीक है, होना चाहिए वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो वो किस तरह से आएगी, वो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास एक वेक्टर आता है, ठीक है? वो वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? मतलब कि वो दोनों वेक्टर्स मिलकर जो प्लेन बनाते हैं, मतलब जिस प्लेन में वो लाए कर रहे होते हैं, उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की, सही है? तो मतलब कि हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? तो उस वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और वो ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? तो इसी तरह से हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे. ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, सही है? तो ए वेक्टर हमें गिवन है जो कि है 2i -6j -3k. ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर भी हमें गिवन है जो कि बराबर है 4i + 3j - k. अच्छा, अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, पहले फाइंड करेंगे, ठीक है? ए क्रॉस बी वो वेक्टर हमारे पास आएगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन जिस प्लेन में ए और बी लाए कर रहे हैं, सही है? तो ए क्रॉस बी किस तरह से फाइंड करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म से हम जो है मैट्रिक्स मेथड जो है हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट से, उस तरह से फाइंड कर लेते हैं. आई जे और के पहली रो बन गई, आई के नीचे ए वेक्टर का पहला वेक्टर ए क्रॉस बी में ए है, ठीक है? उसके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, तो ये बनेगा 2 -6 -3, और उसके बाद सेकेंड वैक्टर जो है उसके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे 4 -3 और -1. इसका इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है? तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहली रो से एक्सपेंड करते हैं इसको, 6 - i के थ्रू हम कर रहे हैं तो दिस वन मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, ठीक है? माइनस इंटू ये, मतलब कि +9, 6 + 9 आ जाएगा. इसी तरह से -j × ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, हमारे पास बनेगा -2 + 12 और +k × ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, बाकी हमारे पास 3 × 2 = 6 और +24. अच्छा, ये हमारा रिजल्ट बनता है ए क्रॉस बी का. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 6 + 9 = 15i - 12 - 2 = 10, तो 10j बन जाएगा ये, 10j प्लस 24 प्लस 6 इज 30 के, ठीक है? ये वो वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की प्लेन, इस प्लेन से
परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो कि परपेंडिकुलर हो उस प्लेन के। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर तो हमारे पास आ चुका है, इस वेक्टर से इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, सही है। तो ये आ गया। अब इसका इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है 1225 स्क्वायर रूट, जो कि 1225 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 35 के। मतलब कि हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो है 35, सही है। तो फॉर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, मतलब कि ए क्रॉस बी जो है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं हम, इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सही है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ये हमारे पास है 15i माइनस 10j प्लस 30k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 35 के बराबर है, सही है। तो इसको सेपरेट करके भी हम लिख सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 35i माइनस 10 डिवाइडेड बाय 35j और प्लस 30 डिवाइडेड बाय 35k, ठीक है। ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि हमें चाहिए था, सही है। तो अब हमने इसके अलावा क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर तो आ गया जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में हमें और भी कहा गया है कि आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कि इन दोनों एंगल्स, इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसका साइन हमने फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि ए और बी के दरमियान में जो एंगल बनता है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसका साइन फाइंड करना है। तो एंगल क्या बनता है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, देखें ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पर क्या आता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। ये थीटा क्या चीज है, ये थीटा है एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और ये हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, साइन ऑफ थीटा मतलब के ये थीटा वो एंगल है जो कि उन दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान का एंगल है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ दिस एंगल मतलब के ये टर्म हमने फाइंड करनी है। तो यहां से हम कह सकते हैं इसी इक्वेशन से कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, सही है। तो ये फाइंड साइन ऑफ थीटा इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए वो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, तो पहले पार्ट में। तो उसके अलावा ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो यहां से हमें ए वैक्टर गिवन है, सही है, उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। ए वैक्टर जो हमें गिवन है 2i माइनस 6j, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, 2i माइनस 6j माइनस 3k, ये ए वेक्टर हमें गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, सही है, जो कि बराबर आता है 4 प्लस 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। 4 प्लस 36 इज 40 और 49 ये बनता है 49 का स्क्वायर रूट और 49 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 7k, सही। अच्छा, अब ए का तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर इज इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4i प्लस 3j माइनस k, सही है। तो
इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 16 प्लस 9 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट 26 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हमने पुट करना है उस फार्मूला में जो कि हमारे पास है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, देखें ये कहाँ से आया था, यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे मैं एन हैट साथ लगा दूं तो तब ये वेक्टर बनता है, ठीक है, ए क्रॉस बी। अगर मैं ये डायरेक्शन यूज नहीं करता तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है, तो ये फार्मूला क्या है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने पहले पार्ट में फाइंड किया था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये 35 है, ठीक है, तो ये हम वैल्यू यूज करेंगे इसमें, 35 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 26, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 26। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 7, और इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। इसी तरह से बाकी इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो भी आप फाइंड करेंगे, ठीक है, उसमें भी सेम यही अप्रोच यूज होगी, सेम मेथड यूज होगा, जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे बाकी पार्ट्स को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या आ रहा होता है, सही है। तो देखें, अगर ये एक वेक्टर है, अगर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, सही है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर यहाँ पर लाई कर रहा है, ये बी वेक्टर इसको कह देते हैं। तो इससे अगर मैं बी के पैरेलल यहां से ए के हेड पे लगाऊं बनाऊं वेक्टर, ठीक है, बी के पैरेलल उसके जितनी ही मैग्नीट्यूड, सही है, ये बनता है वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से बी के हेड पे मैं ए का ए वेक्टर को ड्रॉ करूं तो ये बनता है ये वेक्टर, सही है। तो इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है, सही है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड जब कर रहा होता हूं, ए क्रॉस बी जब मैं फाइंड कर रहा होता हूं, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वो क्या होता है, वो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। तो क्या चीज है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, जो कि अगर इन दो वेक्टर्स को दो साइड्स बनाया जाए उस पैरेललोग्राम का, बाकी जो है उनके पैरेलल साइड्स बना दी जाए तो एक पैरेललोग्राम बनती है, उसका एरिया जो है अगर फाइंड करना हो तो हम उसका ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास उसका उस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, सही है। तो अगर हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, मतलब कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी हमें गिवन है, इनसे एक ट्रायंगल बनती हो, ठीक है, मतलब कि इन दोनों को भी आपस में जॉइन करें तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये, सही है, जिसकी थ्री साइड्स ये होंगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि देखें, जब हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब कि अगर इसके मैग्नीट्यूड को, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को अगर हम हाफ कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, सही है, क्योंकि ये देख लें, आप पैरेललोग्राम को हाफ करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाते हैं, ट्रायंगल बन जाती है, तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ
a cross b या cross product जो भी है उसका magnitude आ जाएगा, ये magnitude सही है। तो triangle का area find करना हो तो हम half of cross product ले लेंगे, और अगर area of parallelogram find करना हो तो फिर हम a cross b ही find कर लेंगे जिसका magnitude area of parallelogram होगा, सही है। तो अब हम question number 3 पर आते हैं। question number 3 में हमें कहा गया है find the area of triangle determined by the point P, Q and R, ठीक है। हमें तीन points दिए हुए हैं P, Q और R, तो P point जो है वो उसके coordinates हैं 0, 0, 0, मतलब कि origin है, ठीक है। और साथ में Q के coordinates हमें given हैं 2, 3 और 2, और इसी तरह से R भी एक point है जिसके coordinates हैं -1, 1, 4, सही है। ये तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, सही है। तो उस ट्रायंगल क्या हमने, जिस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं तो उस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, तो इससे ट्रायंगल बनती है, सही है। तो ये एक PQ और इसको अगर मैं स्ट्रेट जॉइन करूं इन दोनों पॉइंट्स को P और R को, तो इस तरह से ये जॉइन करूंगा, ठीक है, PR बना, और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करूं तो यूं ये एक ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं PQ और PR दो वेक्टर्स लूं, ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर लो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं, PQ क्रॉस PR अगर मैं फाइंड करूं तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, मतलब कि PR के पैरेलल वेक्टर यहां पर जॉइन करूं और यहां से PQ के पैरेलल वेक्टर बनाऊं, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है, ठीक है, उसका एरिया आ जाता है, ठीक है। और इसको मैं अगर हाफ कर दूं तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यही हमने फाइंड करना है इस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें तीन पॉइंट्स गिवन हैं, उन तीन पॉइंट से हम पहले तो वेक्टर्स बनाते हैं, सही है। वेक्टर्स किस तरह आते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ किसके बराबर आएगा, PQ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, सही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है Q, वो है 2i बन जाएगा प्लस 3j और प्लस 2k, सही है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बन जाएगा, माइनस इसमें से हमने माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो है वो 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब कि वो ओरिजिन है, सही है। तो इसमें से ये माइनस करना है तो हमारे पास PQ वेक्टर जो बन जाएगा वो इक्वल आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k के, सही है, इसमें से हमने 0 वेक्टर को माइनस किया तो हमारे पास वो आ गया। अच्छा, अब PQ आ चुका है, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे PR वेक्टर, सही है, PR वेक्टर, PR वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होगा, माइनस i प्लस j प्लस 4k, सही, हमें पॉइंट गिवन है वहां से हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज 0i प्लस 0j प्लस 0k, से ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अच्छा, अब यहां से हम PR फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा माइनस i प्लस j प्लस 4k, सही है। हम दोनों वेक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए
मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, पी क्यू मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट इनका पी आर से, उसका मैग्नीट्यूड ठीक है आ जाएगा, उसका मतलब कि डिटरमिनेंट मेथड से हम फाइंड कर लेते हैं पी क्यू के जो कंपोनेंट्स हैं 2, 3 और 2 सही है। तो पहले तो हमारे पास ये फर्स्ट रो जो है आई जे के बनेगी, आई जे के, और ये आएगा 2, 3, 2, और इसी तरह से जो सेकंड वेक्टर है पी आर उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे -1, 1 और 4। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं ठीक है, तो ये बन जाएगा i इंटू 12 - 2 माइनस j इंटू 8 + 2 प्लस k इंटू 2 + 3। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, i इंटू 10 माइनस j इंटू 10 प्लस k इंटू 5, मतलब कि 10i माइनस 10j प्लस 5k ठीक है। हमने हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो हमारे पास वेक्टर आया ठीक है pq क्रॉस pr, ये वेक्टर आ चुका है, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये हमारे पास रिजल्ट आया pq क्रॉस पी आर सही है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा 10² + -10² + 5² और इसका स्क्वायर रूट, तो ये बनता है 100 + 100 + 25, 5² = 25 उसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता है 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर हम लिख देंगे 2√225 सही है, जो कि इक्वल आता है 15 के। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, इसके मैग्नीट्यूड को हम हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर के मैग्नीट्यूड को सही है, तो ये बनेगा 15/2 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ठीक है, जो कि पी क्यू और पी आर से बनता है, पी क्यू और आर तीन पॉइंट हमें गिवन थे ठीक है, उसका एरिया है 7.5 यूनिट्स ठीक है, यूनिट कोई भी हो सकते हैं। तो यहां से ये हम फाइंड कर चुके हैं उस ट्रायंगल का एरिया।